थ्री स्टेप्स इक्वल्स टू यूट्यूब एल्गोरिदम। जी हाँ, जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं यूट्यूब के ऊपर में और जो सक्सेसफुल हो चुके हैं यूट्यूब करियर के अंदर, तो डेफिनेटली वो इन तीन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तभी वो जो है यूट्यूब के ऊपर में सक्सेसफुल हैं। अगर आप भी अपने करियर को यूट्यूब की तरफ में लेके जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर एक डिजिटल मार्केटर हैं और किसी दूसरे का यूट्यूब चैनल जो है एक सक्सेसफुल आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए ये तीन स्टेप्स इक्वल्स टू यूट्यूब एल्गोरिदम। तो चलिए जानते हैं ये तीन स्टेप्स क्या है। तो पहला स्टेप जो है, अगर स्टेप्स को बाद में करते हैं, पहले बात कर लेते हैं कि यूट्यूब के ऊपर में जनरली करा क्या जाता है। तो बेसिकली हम सभी को मालूम है कि यूट्यूब के ऊपर में वीडियोस कंटेंट जो है वो डाला जाता है, जिसके माध्यम से वहां पे एडवर्टाइजमेंट आती है, जब मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाता है और उसी से हम लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो चलिए यहां पर जो है बहुत सारे, ऐसा नहीं कि कोई भी किसी के साथ में देख के बढ़ रहा है, लेकिन डेली बेसिस पे यूट्यूब के ऊपर में लाखों नए क्रिएटर्स, नए यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट करे जाते हैं। और मैं बता दूं, जिस स्पीड से वो क्रिएट करे जाते हैं उसी स्पीड से वो छोड़ भी दिए जाते हैं, यानी कि सक्सेस रेट की अगर बात करें तो नॉट इवन 1%। ऐसा क्यों कह रहा हूं? बिकॉज उनको ये तीन स्टेप्स नहीं पता है, जिसकी वजह से वो सीधा किसी दूसरे से इंस्पायर हो जाते हैं, उसकी इनकम को देख के इंस्पायर हो जाते हैं, उसके लाइफस्टाइल को देख के इंस्पायर हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो हम भी यूट्यूब पे चैनल बना लेते हैं और कुछ भी कंटेंट कैसा भी डाल के और अपने करियर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो डेफिनेटली कई बार जो है तुक्का लग जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है आपको एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं यूट्यूब एल्गोरिदम। तो चलिए, तीन स्टेप्स ऐसे कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसको हम बोलते हैं RCCUC फ्रेमवर्क, लेकिन अगर वो ज्वाइन करना है तो आप हमारा फ्री वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि 19 तारीख को रात को 8 बजे से स्टार्ट होगा। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया, उस पे क्लिक करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पे 18 तारीख को आपको जो है वर्कशॉप की डिटेल दे दी जाएगी और 19 तारीख को आप ज्वाइन कर लीजिए। खैर, एनीवेज, अभी हम बात करते हैं तीन ऐसे स्टेप्स की जो कि RCCUC फ्रेमवर्क से बाहर आते हैं। सो बेसिकली यहां पे पहला जो स्टेप होता है, जब भी हम यूट्यूब के ऊपर में कोई कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करना, यानी कि एक्सप्लोर दी कंटेंट, ये पहला स्टेप होता है। एक्सप्लोर दी कंटेंट यानी कि जिस भी टॉपिक के ऊपर में हम कोई वीडियो बनाने जा रहे हैं तो पहले हमें मालूम तो होना चाहिए कि यार वो जो वीडियो या जो टॉपिक हम बनाने जा रहे हैं, क्या वो टॉपिक जो है जरूरी है, किस किस ने बनाया है, उनका सक्सेस रेट वगैरह क्या है। जब तक ये नहीं पता होगा तो डेफिनेटली इसको हम कहते हैं रिसर्च, यानी कि रिसर्च नहीं करोगे तो आपका आगे जो कंटेंट बनाओगे वो कुछ भी बन जाएगा और उसके बाद जो है आपका सक्सेस रेट होना जो है वो जीरो हो जाएगा। दूसरा जो स्टेप हम कहते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रेटजी, बेसिकली जो चीज हमने रिसर्च करी है, अब उस कंटेंट को हम समझ गए कि हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर अप करने चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा यूट्यूब के सामने खड़े हो जाते हैं, सॉरी, वे अपने कैमरा के सामने खड़े हो जाते हैं और कैमरे के सामने खड़े होने के बाद सीधा कुछ भी बोलते चले जाते हैं। और ऐसा करने से प्रॉब्लम ये हो जाती है, जो चीज कवर अप करनी चाहिए वो चीज मिस हो जाती है। इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना, और स्ट्रेटजी बनाना यानी कि जो कंटेंट का जो फ्लो है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको एक या तो पॉइंटर्स बना लीजिए या फिर एक पूरी कंप्लीट स्क्रिप्ट बना लीजिए कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज बोलनी है। अब आप बोलोगे, सर आप भी बना रहे हो क्या, इस स्टेप को फॉलो कर रहे हो क्या? तो डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूं, ये रहा सामने स्क्रिप्ट लगी हुई है और जिसको मैं अभी देखकर ही स्टेप बाय स्टेप चीजें आपको बता रहा हूं। तो चलिए, भी इसी तरीके से आपको भी ये सेकंड स्टेप को फॉलो करना है, जिसको हम कहते हैं कंटेंट स्ट्रेटजी, यानी कि जो कंटेंट है वो स्टेप बाय स्टेप डिलीवर करोगे तो चीजें बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाती हैं। चलिए थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड स्टेप होता है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी कहने का मतलब है कि क्या डेली कंटेंट हमें डालना पड़ेगा, क्या हमें हर रोज जो है कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा? द आंसर इज नो।
कंसिस्टेंसी कहने का मतलब है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि किसी कंपनी में किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे होंगे जो सोशल वर्क के अंदर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन स्टिल दे वॉन्ट टू क्रिएट सम कॉन्टेंट ऑन अ यूट्यूब सो दैट दे कैन अर्न राइट, कुछ एक साइड इनकम जो है वो जनरेट कर सके। इसके लिए कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि यानी कि आप महीने के कितने वीडियो दे सकते हो। आप अगर एक हफ्ते में दो वीडियो दे रहे हो तो मेक श्योर करें कि आप हफ्ते में दो ही वीडियो दें, लेकिन वो जो दो वीडियो हैं उसका भी आपके पास एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि मैं यहां पर ट्यूसडे या फिर लेट्स से फ्राइडे, ये दो दिन ऐसे हैं जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूंगा या अपलोड करूंगी। उससे क्या होगा कि आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो आपको जो है उसी टाइम पे फॉलो करेगी, उनको मालूम है कि आपका वीडियो जो है वो ट्यूसडे को आता है और फ्राइडे को आता है, तो जिस दिन आप वो अपलोड करोगे पब्लिश करोगे उसी दिन वो आपके कंटेंट का वेट भी करेंगे, एंड डेफिनेटली जैसे ही आपका वीडियो पब्लिश होगा वैसे ही आपके जो जो आपका फैन बेस कह सकते हो, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं राइट, जो भी आपकी एक ऑनलाइन यूट्यूब की कम्युनिटी है वो डेफिनेटली आपके वीडियोस को जो है वॉच करना स्टार्ट कर देगी। यहां पर सिर्फ डेट या डेज आपके जो है फिक्स करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ साथ में आपका टाइम जो है वो भी परफेक्ट होना चाहिए कि आप सुबह 7 बजे पब्लिश कर रहे हैं, आप जो है दोपहर में 12 बजे पब्लिश कर रहे हैं, या आप जो है इवनिंग में लेट्स से 6 बजे पब्लिश कर रहे हैं, तो आपका एक फिक्स टाइम फ्रेम भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसी प्रोसेस के साथ में अगर आप यहाँ पे फॉलो करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो डेफिनेटली यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो भी आपके कंसिस्टेंसी को अंडरस्टैंड कर पाता है, आपके पैटर्न को फॉलो कर पाता है कि आप किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली जब भी आप वीडियो को पब्लिश करते हैं तो उसके हिसाब से ही वहां पर आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वहां तक नोटिफिकेशन जो है वो पहुंचाया जाता है। सो गाइस आई होप कि ये जो 3 स्टेप्स हैं ये बहुत ही ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने ही करने हैं। ये एक सक्सेसफुल जो है अगर करियर बनाना चाहते हैं यूट्यूब के ऊपर में तो ये 3 स्टेप्स तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। एज आई सेड कि सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए RCCUC फ्रेमवर्क के बारे में, और फ्री वर्कशॉप तो आ रहा है 19 तारीख को रात को 8 बजे से। आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें अपने ज्वाइन करके अपनी सीट को कर लें बुक। तो चलिए मैं मिलता हूं अभी एक नए वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें। चलिए आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ नई एनर्जी के साथ एक नई उमंग के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।